कोरोना महामारी के दिन रात कोरोना मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचा रहे फ्रंट लाइन कोविड वॉरियरों एम्बुलेंस चालक और हॉस्पिटल से घर पहुंचा रहे एम्बुलेंस चालकों से सीडीओ इंद्रजीत सिंह एवं एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने रविवार को महिला चिकित्सालय सीएचसी चरगावां और खोराबार ब्लॉक पर पहुंचकर उनकी समस्याओं को जाना और बैठक कर एम्बुलेंस चालकों के आत्मबल को बढ़ाते हुए विश्वास दिलाया कि उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान कर उन्हें आईसीएमआर के गाइडलाइन के अनुसार ड्यूटी के दौरान दवाएं सुरक्षात्मक उपकरणों को उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा कार्य करने वाले एम्बुलेंस चालकों को पुरस्कृत किया जाएगा। कोरोना महामारी में काम करने के लिए बधाई दी और उनके मनोबल को बढ़ाया और ये आश्वासन दिया कि किसी भी तरह की समस्या होने पर नंबर पर संपर्क करें, जिला प्रशासन हमेशा आपके साथ है। इस मौके पर सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव एवं एम्बुलेंस चालक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, और अभी कहाँ चल रही है सर? मैं आप लोगों को ले चलता हूँ जहाँ जहाँ मिलवा ली। हाँ, मिलवा ली। जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के आदेश पर सीडीओ गोरखपुर और मैं एडीएम सिटी गोरखपुर आज एम्बुलेंस के ड्राइवर्स टेक्नीशियंस की जो बेसिक समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए और क्या क्या उन्हें आवश्यकता है जिससे वो और एफिशिएंटली और कम से कम रिस्पांस टाइम में पेशेंट के पास पहुंच जाए, इसके लिए हम लोगों ने उनकी समस्याएं नोट की हैं और उनका निदान करेंगे। साथ ही सभी एम्बुलेंस चालकों को जो हमारे कोरिया वैरियर्स हैं और सबसे अगले सिपाही है, अगली पंक्ति में खड़े हुए सिपाही हैं, इनके लिए हम जितनी भी प्रिवेंटिव मेडिसिन अभी तक इंटरनेशनली नेशनली आईसीएमआर ने गाइडलाइन के अनुसार हमारे सीएमओस आपको बताई है, वो सब मेडिसिन सारे एम्बुलेंस चालक टेक्नीशियंस और इनको हैंडल करने के लिए सारी प्रिवेंटिव मेडिसिन विद पर्चा सहित कैसे वो खाएंगे शेड्यूल के साथ उनको कल से वितरित हो जाएंगी और वो फिजिकली भी फिट रहे, मेंटली भी फिट रहे, उनका मनोबल बढ़ाया गया है और जो बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं उनको जिला मजिस्ट्रेट या कमिश्नर साहब से सम्मानित भी कराएंगे, उनको प्रमाण पत्र भी दिलवाएंगे और इसी मनोयोग से लगे रहे उनकी मनोयोग को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए ये बैठक हम लोगों ने चरगावा में महिला हॉस्पिटल में और खोराबार में सब तीन जगह आप संपादित की है। प्रायोरिटी यही है कि हम लोग जल्दी से जल्दी पेशेंट को रिस्पॉन्स कर सके और उन्हें उनके जहां पर उनको ज्यादा से ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी मिल सके उन कोविड हॉस्पिटल में कम समय में पहुंचा सके।